हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जो है विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि वन लीनियर के रूप में दिया जा रहा है। सबसे पहले जो है कार्बन डेटिंग विधि जो है किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है। तो कार्बन डेटिंग से विधि से जो है जीवाश्म का जो है आयु निर्धारण किया जाता है। शरीर में ब्लड बैंक कौन सा अंग करता है, या फिर ब्लड बैंक का काम जो है कौन सा अंग करता है, तो ये जो है स्प्लीन जो है इस काम को करता है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो है उसका मुख्य कार्य जो है शरीर को जो है बीमारी से बचाना है। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो मछली के हृदय में दो चैम्बर होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य जो है कौन सा अंग करता है, यानी कि जो अवांछनीय पदार्थ रक्त में होता है उसको साफ कौन सा अंग करता है, तो ये जो है किडनी के द्वारा किया जाता है। अप्सरा क्या है, ये एक नाम है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर का है, जो कि भारत का है, तो इसलिए प्रश्न आ सकता है कि अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कहाँ है। तो पहला है कि ये भारत में है, और अप्सरा क्या है सीधे पूछ दिया जाए तो ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का क्या कार्य है, तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है। पिच ब्लेंडिंग से जो है कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है, तो पिच ब्लेंडी से जो है रेडियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व जो है इसको प्राप्त किया जाता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है, तो उसकी त्वचा में जो होता है मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं के कारण जो है गिरगिट जो है अपना रंग बदल सकता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन यौगिक कौन सा है, तो वो यौगिक जो है वो है सेलुलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होता है, तो जो एनुअल रिंग होता है वो क्यों नहीं पाया जाता है, तो इसका कारण है कि वहाँ पर जो है जलवायु में जो है स्पष्ट भिन्नता नहीं होने के कारण जो है वहाँ के वृक्षों में जो है एनुअल रिंग्स नहीं पाया जाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये जो है जेरेंटोलॉजी जो है इसके द्वारा जो है वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलेमाइट CaCO3 किसका अयस्क है, तो ये जो है कैल्शियम का अयस्क है। खट्टे फलों में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो खट्टे फलों में जो है ये विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता जो है मापने वाला यंत्र क्या है, तो ऑडियोमीटर से जो है ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। दूध का खट्टा होना इसके द्वारा होता है, दूध जो खट्टा हो जाता है वो जीवाणुओं द्वारा होता है, और लैक्टोबैसिल्स के द्वारा ही जो है दूध जो है फटकर दही में परिवर्तित होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी जो स्पेक्ट्रम बनता है में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है, तो ये जो है बैगनी जो है ये सर्वाधिक विचलित होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है, तो प्रशीतक जो होता है वो फ्रीमोन का बना होता है। पानी में हवा का बुलबुला जो बनता है वो किस लेंस की भांति कार्य करता है, वो जो है अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस के भांति जो है वो कार्य करता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है, तो ये जो है किडनी अगर काम नहीं किया जा रहा कर रहा है तो डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, ये सबसे बड़ा भाग जो है वो है प्रमस्तिष्क। बंदूक चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है, ये जो है रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन
का संश्लेषण जो है किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ये जो है हरगोविंद खुराना ने जो है प्रयोगशाला में जो है जीन का संश्लेषण किया था। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक या पॉलीमर है, ये जो है आइसोप्रीन का है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है, तो द्रव्य की चौथी अवस्था जो है ये प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप जो है किस यंत्र के द्वारा किया जाता है, ये जो है तप्त तार आमीटर, इसके द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है, ये जो है ध्रुवन यानी कि पोलराइजेशन से जो है पता चलता है कि प्रकाश की तरंगे जो है अनुप्रस्थ होती हैं। एक वृत्त वलय यानी कि सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, ये जो है वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ये जो है 7.5 होता है। ग्रह गति का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो ये जो है कैपलर ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि ठोस द्रव गैस इन तीनों अवस्थाओं में जो है पृथ्वी पर पानी जो है पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट जो है क्या है, तो कैरेट जो है वो भार का मात्रक है हीरे में। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, गैल्वनीकृत लोहे में जो है जिंक का लेप लगाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो आयोडीन युक्त नमक इसलिए हम लोग खाते हैं कि जो गोइटर नामक रोग जो है वो ना हो। विद्युत मोटर का क्या कार्य है, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा का जो है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण का इकाई क्या कहलाता है, इसका इकाई जो है क्वांटोसोम ये जो है कहलाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन दर निर्धारण करने के लिए जो है पोटोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये जो है Pb3O4 है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, ये जो है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा जो है इसका निर्माण यानी कि विटामिन के का निर्माण जो है मानव शरीर में होता है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है, तो फाइकोलॉजी के तहत जो है शैवाल यानी कि एल्गी का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये जो है कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में जो है पाया जाता है। मेनिनजाइटिस नामक रोग शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मेनिनजाइटिस जो होता है वो मस्तिष्क को जो है प्रभावित करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण जो है वो है हेपरिन की उपस्थिति, इसी के कारण जो है मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो ये थे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही साथ जो है विज्ञान पर बहुत मतलब विस्तृत अध्ययन जो है हम लोग कुछ लेसन्स में करेंगे, वो थोड़े बाद में आएंगे वो लेसन्स। तब तक जो है आप लोगों को जो है इसी तरह से जो है विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल में जो है नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ जो है लाइक या डिसलाइक के द्वारा जो है आप बता सकते हैं कि ये वीडियो जो है किस प्रकार का बना है, और साथ ही साथ अगर किसी भी तरह का समस्या हो तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।